पीवीयूएनएल प्रबंधन के खिलाफ 30 गांव के लोग आंदोलन की तैयारी में। ये सभी विस्थापित हैं जिनके अंदर एक लावा सुलग रहा है। वो लावा इंतजार कर रहा है कि ज्वालामुखी बने वो, और ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। पुलिस के साथ बहस कर रहे ये लोग विस्थापित हैं, जिनके अंदर पुलिस के खिलाफ भी गुस्सा है और पीवीयूएनएल प्रबंधन के खिलाफ भी गुस्सा। इन्होंने जोरदार आंदोलन की तैयारी की है। ये लोग लगातार 30 गांवों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 16 सितंबर को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और मांगे पूरी नहीं होने पर विधानसभा घेराव की भी तैयारी है। आरोप है कि पुलिस दमन पूर्वक इनके आंदोलन को कुचलना चाहती है। मुआवजा, नौकरी और पुनर्वास, और उसी मांग को लेकर हम लोग करीब 3 पीढ़ी से हमारे पूर्वज लड़ते आ रहे हैं, और हम लोग तीसरा पीढ़ी, आज हम लोग उसी मुद्दा को लेकर हम लोग मांग को लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पुरखों का जमीन है जो हमारे लिए रखा गया है, वो सब एनटीपीसी ले लिया है, और उसका ना मुआवजा देता है ना नौकरी देता है, तो हम लोग इसके अधिकार के लिए लड़ेंगे ही। और लड़ते इसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस प्रशासन हमारे पर जोर करे। इनमें से 6 विस्थापित प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, पर इसका विरोध हो रहा है। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के तहत इन्होंने आंदोलन का प्रारूप तैयार कर लिया है। 16 सितंबर से 30 गांव के हजारों विस्थापित अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। जरूरत है इनके उग्र होने से पहले इनकी बातों को समझकर या तो उसे पूरा किया जाए या फिर बीच का रास्ता निकाला जाए। रामगढ़ से न्यूज 11 भारत के लिए महावीर की रिपोर्ट।